18 जून सुबह 9:30 बजे टाइटन नामक एक सबमर्सिबल को पानी में उतारा जाता है। इस सबमर्सिबल में बैठे 5 शौकीन लोग सुपर एक्साइटेड थे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। 111 साल पहले सन 1912 में उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था और उसका मलबा आज 3800 मीटर की गहराई में समुद्र तल में पड़ा हुआ है। 11:15 बजे ये सबमर्सिबल करीबन 3600 मीटर नीचे पहुंच गया था, यानी टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 200 मीटर दूर। लेकिन तब ही अचानक सबमर्सिबल का कम्युनिकेशन ऊपर मौजूद इस मदरशिप से टूट जाता है। मदरशिप पर मौजूद लोगों के लिए कम्युनिकेशन टूटना कोई नई बात नहीं थी, ऐसा पहले भी हुआ था। लेकिन जब काफी देर हो गई और कम्युनिकेशन और टाइटन सबमर्सिबल दोनों ही वापस नहीं आए, तब 7:00 बजे US कोस्ट गार्ड से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा हो गया है और हमारी पनडुब्बी ढूंढने में मदद करो प्लीज। अगले 2 दिनों तक US और कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स ने टाइटन को ढूंढने की काफी कोशिश की, कुछ नहीं मिला। लास्ट में अगर कुछ मिला तो वो थी उन 5 लोगों के मरने की खबर और टाइटन सबमर्सिबल के टुकड़े। 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए की एक टिकट होने के बाद भी कैसे ये लोग इस सबमर्सिबल में बैठ के इतनी गहराई में जाने के लिए राजी हो गए। वो सबमर्सिबल जो एक $30 के लॉजिटेक PC वीडियो गेम कंट्रोलर से कंट्रोल होती है। We run the whole thing with this game controller. Come on! और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस सबमर्सिबल की कोई भी सेफ्टी का सर्टिफिकेशन है ही नहीं, इनसे मिलिए। ये हैं स्टॉकटन रश। ये कोफाउंडर और CEO थे एक कंपनी के जिसका नाम है ओशियन गेट। ओशियन गेट वो ही कंपनी है जिसने ये टाइटन सबमर्सिबल बनाया और जो टाइटैनिक मलबे को दिखाने के लिए लोगों को एज अ टूरिस्ट समुद्री तल पर ले जाने का बिजनेस करती है। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले क्या आपने ये नोटिस किया कि मैं इस वीडियो में शुरू से ही सबमरीन की जगह सबमर्सिबल शब्द यूज कर रहा हूँ? वो होती है जो कई हफ्तों या महीनों तक पानी में नीचे रह सके, खुद से ही पोर्ट से पानी में दूर तक जा सके और खुद से ही वापस आ सके। लेकिन सबमर्सिबल के साथ ऐसा केस नहीं है। सबमरीन के कंपैरिजन में सबमर्सिबल काफी कम कैपेबल और काफी कम पावरफुल होती है। सबमर्सिबल को समुद्र में जाने के लिए एक मदरशिप चाहिए, फिर उस मदरशिप से इस सबमर्सिबल को पानी में उतारा जाता है, फिर सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही ये सबमर्सिबल नीचे जा सकती है और इसे वापस अपनी माँ के पास आना ही पड़ेगा। 3D में साइज कंपैरिजन किया जाए तो रियल लाइफ स्केल के हिसाब से ये एक 6 फुट का आदमी है, ये एक थार है, ये है वो टाइटन सबमर्सिबल जिसके दुनिया में फिलहाल चर्चे हैं, ये है रशियन नेवी की एक टाइफून क्लास सबमरीन जो कि आप देख पा रहे हो सबमर्सिबल से कितनी बड़ी पावरफुल और कैपेबल होती है, और ये है वो टाइटैनिक समुद्री जहाज जो 1912 में डूबा और जिसके मलबे को देखने की लोगों में चुल रहती है। टाइटन सबमर्सिबल की चौड़ाई है 9.2 फीट, इसकी हाइट है 8.3 फीट और इसकी लंबाई है 22 फीट। ये जो 4 थ्रस्टर्स आप देख रहे हो, ये थ्रस्टर्स ही इसको हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं। इस पूरे सबमर्सिबल के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है इस वीडियो गेम कंट्रोलर से। राइट स्टिक को ऊपर और नीचे करोगे तो टाइटन आगे और पीछे मूवमेंट करेगी, राइट स्टिक को लेफ्ट और राइट करोगे तो टाइटन लेफ्ट और राइट की तरफ टर्न करेगी, और लेफ्ट स्टिक को ऊपर नीचे करोगे तो टाइटन का ऊपर और नीचे का मूवमेंट होगा। इस सबमर्सिबल का ये जो पीछे का पार्ट है ये अनमैन्ड रहता है और मेनली ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंटेन करता है। अगर इंटीरियर दिखाऊं तो इसमें कोई सीट्स नहीं है, इस तरीके से 5 लोग फ्लोर पर ही बैठते हैं जिसमें सबसे आगे वाला ये पायलट होता है और इस जॉयस्टिक से सबमर्सिबल को कंट्रोल किया जाता है। फ्रंट पार्ट में ये एक छोटा सा व्यू पोर्ट है एंड इफ द नेचर कॉल्स देन फ्रंट पार्ट में ही ये एक टॉयलेट बना हुआ है। इसके बाहर ऊपर यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है जो बाहर का पूरा नजारा इस अंदर मौजूद एक डिस्प्ले पर दिखाता है, और दूसरा ये जो डिस्प्ले है ये मदरशिप से टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल इन ऑल एक बार जैसे ही कुछ इस तरीके से 5 लोग इसके अंदर बैठ गए, उसके बाद इस आउटर गेट को 17 बोल्ट का यूज करके बाहर से बंद कर दिया जाता है। दिस मीन्स चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये सबमर्सिबल का आउटर गेट सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है, अंदर वाले 5 बंदे कुछ नहीं कर सकते। खैर, स्टॉकटन रश की कहानी पर वापस आए तो इसी साल 2023 की शुरुआती महीनों की बात है, इन्होंने लास वेगास के एक बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जे ब्लूम को अप्रोच किया। मई 2023 में समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे चलेंगे और टाइटैनिक का मलबा देख के आएंगे, लेकिन जे ब्लूम ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें टाइटन सबमर्सिबल के सेफ्टी और डिजाइन से प्रॉब्लम थी। एनी हाउ ये 4 लोग एग्री कर जाते हैं कि हम ओशियन गेट के CEO स्टॉकटन रश के साथ अटलांटिक ओशियन में 4 किलोमीटर नीचे जाएंगे, टाइटैनिक का मलबा देखेंगे। ट्रिप स्टार्ट करने से पहले इन लोगों से लायबिलिटी वेवर्स पर साइन करवाया जाता है जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सब है और जान भी जा सकती है।
an experimental submersible vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, disability, emotional trauma, or death. ये शिप जो आप देख रहे हो ये है टाइटन सबमर्सिबल का मदरशिप जिसका नाम है पोलर प्रिंस। 16 जून 2023 को ये मदरशिप सेंट जॉन्स से चल पड़ा। मैं ध्यान से देखो, ये है इंडिया और ईरान को पार करते हुए, इटली को पार करते हुए ये है सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स कनाडा के न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस में एक सिटी है। वहां से ये पोलर प्रिंस मदरशिप 16 जून 2023 को चला और 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके 18 जून 2023 को टाइटैनिक रैकेज साइट पर पहुंच गया, यानी कि जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। 18 जून 2023 को वहां के टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 बजे टाइटन रैकेज साइट पर पहुंच के मदरशिप ने इस टाइटन सबमर्सिबल लॉन्च प्लेटफॉर्म को पानी में उतारा। एक सर्टेन डेप्थ तक ओशन गेट सबमर्सिबल पहले टाइटन लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ ही अंदर जाती है, फिर अपने आप को डिटैच करके अकेली ही नीचे जाने लगती है। जितनी देर ये मदरशिप नीचे जा रही है उतनी देर आपको ये बता दूं कि इन 5 लोगों में से एक ही 19 साल का लड़का भी है, सुलेमान दाऊद, जो अपने पिता पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद के साथ यहाँ बैठा। इन दोनों के अलावा इस छोटे से इंटीरियर में ये पॉल हेनरी भी मौजूद है जो मिस्टर टाइटैनिक के नाम से फेमस थे, क्योंकि ये ऑलरेडी 37 टाइम्स वहां जाके आ चुके हैं जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। हैमिश हार्डिंग भी यहां मौजूद हैं, जिनके नाम 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और काफी समय से ओशन एडवेंचरर रहे हैं। इसके अलावा इस टाइटन सबमर्सिबल के पायलट स्टॉकटन रश से संबंधित आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इनकी वाइफ वेंडी रश जो हैं, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडॉटर हैं इजिडोर और इडा स्ट्रॉस की, जो 1912 में टाइटैनिक के डूबते वक्त उसमें मौजूद थे और उनकी मौत भी उस समय टाइटैनिक डूबने से ही हुई थी। खैर, 18 जून 2023 सुबह के 11:15 हो रहे हैं और टाइटन सबमर्सिबल अब सिर्फ 200 मीटर दूर है टाइटन रैकेज साइट से, लेकिन इस समय कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने स्पॉन्डर मौजूद होता है। इसकी मदद से ही मदरशिप को टाइटन की लोकेशन पता चलती है। इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी खुद की बैटरी और ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, ये टाइटन पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर टाइटन को कुछ हो भी गया तो भी ये मदरशिप को लोकेशन तो भेजता ही रहेगा। अगर ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वो आगे बताऊंगा। वैसे कितनी सोचने वाली बात है ना कि ओशियन कितना वास्ट और मिस्टीरियस है। फॉर श्योर 2.5 करोड़ की एक टिकट देकर हम ओशियन को एक्सपीरियंस नहीं करने वाले, पॉसिबल है इतने डीप सी में जाने पर ऐसा हो सकता है, लेकिन एक साथ कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोंडर का लॉस्ट होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि टाइटन सबमर्सिबल में इम्प्लोजन हुआ है। इज अ फुली ऑटोनॉमस सिस्टम, इट्स इन इट्स ओन प्रेशर हाउसिंग एंड इट हैज इट्स ओन बैटरी पावर, सो फॉर देम टू लूज कॉम्स एंड ट्रैकिंग एट द सेम टाइम सब वाज गॉन। उटवर्ड जाती है, जैसे एक बॉम्ब फटता है उसे एक्सप्लोजन बोला जाता है, लेकिन इम्प्लोजन में फोर्स इनवर्ड जाती है। जैसे सामने इस टैंक वाली वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे हो, ये टैंक वाली वीडियो में तो फिर भी इम्प्लोजन काफी धीरे हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहाँ नीचे टाइटन सबमर्सिबल का इम्प्लोजन 1 मिलीसेकंड से भी कम टाइम्स, आगे और सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। 7 साल लगा के इन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ मिलके ये डीप सी चैलेंजर नामक सबमर्सिबल बनाई और 2012 में ये इस सबमर्सिबल में बैठ के कहां तक गए वो देखो। ये सी लेवल है यानी ओशन सरफेस, यहां से अगर 828 मीटर नीचे जाते हैं तो ये हुआ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बराबर, और नीचे लगभग 4 किलोमीटर तक चले जाओ तो ये हो गई वो जगह जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। इससे और नीचे चले जाओ तो ये हो गई वो जगह जो माउंट एवरेस्ट की हाइट के बराबर है, और इससे और ज्यादा नीचे चले जाओ तो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई पर है ये मेरियाना ट्रेंच। ये धरती पर सबसे डीप। जून 2023 को यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात बोली कि सर्च ऑपरेशन करते वक्त उन्होंने जब अपने इस ओडेशियस 6 के आरओवी को 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा तो वहां उन्हें टाइटन सबमर्सिबल के रिमेन्स मिले। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइटन सबमर्सिबल में ऐसा हुआ था जैसे कोई एक्सीडेंटल होल वगैरह, जिसकी वजह से जो अंदर का प्रेशर टाइटैनिक को बनाए रखे था वो रिलीज हुआ और टाइटन सबमर्सिबल पिचक के।